अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम बैक विद माय न्यू वीडियो। मैं आप लोगों को आज बताने जा रही हूँ फिरनी। फिरनी कैसे बनाते हैं, देखिए मैं इसमें फिरनी बनाने जा रही हूँ। आप फिरनी इसे आप कह सकते हैं खीर की भाई, खीर का भाई या खीर की बहन, बट ये मुझे ज़्यादा पसंद है। देखिए ये जो चावल है बासमती राइस है, ये बासमती चावल मतलब वो बड़ा लंबा वाला बिरयानी वाला नहीं, छोटे छोटे जो चावल आते हैं उसके ये ज़्यादा अच्छे बनते हैं, चाहे खीर हो या फिरनी इस चावल के ज़्यादा अच्छे बनते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने इसे इस रुमाल में धो करके अच्छे से डाल करके इसे इसके अंदर का सारा पानी निकाल दिया। देखिए सॉफ्ट हैंकी है, इसे मैंने सारा पानी निकाल दिया था और उसके बाद ये बिल्कुल सूख गया है ये देखिए। और इसे अब हम मिक्सर में पीसेंगे, बस 2 से 3 बार चलाएंगे हम। अब मैं थोड़ी देर के लिए अपने वीडियो को रोक रही हूँ वरना बहुत तेज़ आवाज़ होगी मेरे मिक्सर की, आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, आपको लग सकता है इतनी ज़ोर से आवाज़, इसलिए मैं थोड़ी देर चलाने के बाद इसे थोड़ा ऑफ़ कर रही हूँ। देखिए मैंने इसे 3 से 4 बार बस चलाया और देखिए ये बिल्कुल अच्छी तरह से पिस गया है। थोड़ा दरदरा रहना ज़्यादा अच्छा लगता है, अब इसे थोड़ा दरदरा छोड़ दें, अभी बिल्कुल अच्छे से पिस गया है, बस 2 से 3 बार। देखिए इसमें मिल्क है, ये मैंने पहले से बॉयल करके रखा है, मुझे और ज़रूरत पड़ेगी थोड़ी मिल्क की तो मैं ऊपर से फिर से डालूँगी, थोड़ा पानी भी डाल सकती हूँ। अभी मैं थोड़ा इसे गर्म कर रही हूँ, मैं इसे बॉयल कर चुकी हूँ। मैं इसमें अब एक डालूँगी छोटी इलायची खोल करके, इलायची पाउडर अगर हो आपके पास तो और बेटर है, अभी वो मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने इसमें एक इलायची डाल दी है, इससे अच्छी खुशबू आती है। और थोड़ा मिल्क को अच्छे से चलाएंगे, हम इसमें थोड़ा और मिल्क लेंगे। चावल मैंने इसमें बस आधा कप लिया है और मिल्क 1 किलो के बराबर लगभग। वो आपकी मर्ज़ी, आप चाहिए कम दूध दे सकते हैं, थोड़ा आप चाहे पानी ज़्यादा मिला सकते हैं दूध के साथ साथ, थोड़ा मैं भी हो सकता है पानी मिला सकती हूँ, मुझे ज़्यादा पतला अच्छे से गलाने के लिए, जितना ज़्यादा आप गलाएंगे उतना अच्छा लगेगा। देखिए ये मिल्क, देखिए ये इस डक्ची के वॉल पर से लेकर के अच्छे से इसे मिक्स कर लें। आधा कप बासमती चावल को मैंने धो के सुखा लिया था और ये लगभग 1 किलो मिल्क है, दूध लगभग इसमें 1 किलो है। आप चाहें तो ज़्यादा भी दे सकती हैं, थोड़ा कम भी दे सकती हैं पानी मिलाने के लिए, दूध ज़्यादा रहने से थोड़ा टेस्ट होता है। बिल्कुल ये खीर के ही जैसी है लेकिन इसका टेस्ट उससे ज़्यादा बेटर होता है, मुझे तो पसंद है, मुझे लगता आप लोग भी अगर इसे खाएँगे और अपने घरों में बनाएंगे। मैं इसे डिनर के लिए बना रही हूँ, रोटी सब्ज़ी के साथ ये अच्छी लगती है, अंडे मैं तो ऑमलेट और चपाती के साथ भी इसे खाती हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ वो जो चावल मैंने पीस कर रखा था अच्छे से, ये आधा कप चावल है पर इसमें जाकर अभी बिल्कुल दूध जैसा लग रहा है पर थोड़ी देर के बाद ये पकने लगेगा। देखिए ये थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होने लगा है, आप इसे ऐसे चलाते रहिए थोड़ी देर, फ्लेम बिल्कुल पूरा धीमा भी ना रखें पूरा तेज़ भी ना रखें, ये नॉर्मल रखें, अगर आप थोड़ी देर कर सकते हैं तो थोड़ा। देखिए ये गाढ़ा होने लग गया है, आप इसे मीडियम फ्लेम पे पकाते रहिए। देखिए इसमें उबाल आने लगी है, जब इसमें ज़्यादा उबाल आने लगी थी तो मैंने थोड़ा सा फिर इसमें पानी डाला, आपकी मर्ज़ी, आप चाहिए तो अगर दूध आपको इनफ है इतना तो आप चाहिए थोड़ा पानी भी डाल सकती हैं आपकी मर्ज़ी, और चाहिए तो और दूध ही डाल सकती हैं। जब अच्छी तरह से मुझे ज़्यादा पका देने के बाद फिर मैं इसमें
ऐसा भी चला रही हूँ। देखिए ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है, आप चाहिए तो इसे और गाढ़ा कर सकती हैं। अपने फ्लेम को तेज़ कर दें ताकि उसमें उबाल आने लगे और ये अब जल्द गाढ़ा हो जाए क्योंकि ये गल गया है। रेगुलरली इसे ऐसे चलाते रहें। इसका टेस्ट अच्छा आएगा और ये नीचे सटेगा भी नहीं। और जब आप चलाना बंद करें तो फ्लेम धीमा कर दें। देखिए ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, अब हम इसमें चीनी डालेंगे। अपने टेस्ट के हिसाब से, मुझे बहुत ज़्यादा भी मीठा पसंद नहीं है, मुझे मीठी चीज़ें पसंद है पर मैं उन्हें कम चीनी डालती हूँ। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी डालें। अब हम इसमें चीनी डालेंगे, आप चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। मैं इसमें पीसी हुई चीनी नहीं डालती क्योंकि पीसी हुई चीनी डालने के बाद ये अगर जब ठंडा हो जाता है तो काफ़ी सट सट जाता है। आप इसे गर्म भी खा सकते हैं और चाहिए तो इसे फ्रिज में रखने के बाद काफ़ी ठंडा करके भी, कुछ लोग इसे ऐसे ही पसंद करते हैं, मुझे गर्म करके पसंद है। देखिए ये रेडी हो चुका है, आप इसे और ज़्यादा जमाना चाहती हैं तो इसे छोड़ दीजिए और जब ये ठंडा थोड़ा हो जाए तो इसे फ्रिज में डाल दीजिए, ये काफ़ी टेस्टी लगेगी। और हाँ, आप इसके ऊपर चाहिए तो काजू को मैश करके अच्छी तरह से ऊपर डेकोरेट कर सकती हैं, मुझे ये ऐसे ही पसंद है प्लेन। आप गेस्ट को देने के लिए भी इसे अच्छे से डेकोरेट करके दे सकती हैं, खाने के बाद खाने में ये काफ़ी अच्छा लगता है और आप चाहे इसे और ज़्यादा सुखा सकती हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हुई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।